नेक्स्ट फोर्थ नंबर डाल के लिखो पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल नेक्स्ट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट की बनती है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस जब तुम लिखते हो टेंसेज में क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना हम सिंपल प्रेजेंट में। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही चीज़ होती है, यही होता है ना। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा, आसानी से आइडेंटिफाई कर लेना भाई सब्जेक्ट है फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या लिखूँ यहाँ पे, तुम हो भी ना मुन्ने पता नहीं क्या करोगे। सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है सिंपल में। और नेगेटिव या फिर हम जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तब डिड लगाते हैं हम, यही लगती है हेल्पिंग वर्ब, है ना, यही स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमने इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव में क्या करते हैं हम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अगर हमें डिड दे रखा है तब भी हमारे को वॉज वर लगाना है, और साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लगेगी ही लगेगी, आंख बंद करके लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब्स तुम्हें पता ही हैं चार फॉर्म्स होती हैं वैसे वर्ब की, है ना, लेकिन हम बेसिकली तीन फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है टेंसेस में, है ना। नेक्स्ट कौन सा होता है फिर, पास्ट सिंपल के बाद कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूस, है ना, यही होता है, पता है ना सब बच्चों को, टेंसेस कर रखे हैं ना, कॉपी खोल के बैठना, पास्ट कंटिन्यूस होता है ना। तो पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, वॉज वर होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता था, और ऑब्जेक्ट होता था, है ना, यही होता था, सब्जेक्ट होता था, वॉज वर होता था, सीधा वॉज से सब्जेक्ट तो होता ही है तुम्हें पता ही है, तो सीधा मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देती हूँ, वॉज वर होता है, ठीक है, और क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते थे हम, आईएनजी लगाते थे, है ना, यही करते थे हम टेंसेस में। तो जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव में हम क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं, ठीक है, वॉज वर तो लगेगा ही लगेगा, आईएनजी वाला टेंसेज है। देखो पीछे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आईएनजी लगा हुआ था, तो हमने आईएनजी को किस में चेंज किया था, तुरंत बीइंग लगाया था ना, लगाया था कि नहीं लगाया था, तो बीइंग लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, प्लस बीइंग, बीइंग लगाया, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, ठीक है, आई बात समझ में। ऊपर मैंने लिखा है पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे रखा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको किस में चेंज करना है तुमने, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर डिड दे रखा है, डिड लगा के सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है, तब भी तुमने उसको किस में चेंज करना है, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, यही होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो तुमने पैसिव बनाना है, पैसिव में वॉज वर और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, है ना, ये चार्ट तुम अपने कॉपी में बनाओगे अच्छे से। सिक्स्थ कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, है ना, पर दो मिनट, पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो, यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे ना, यही लगाते थे। तो इसको हमने पैसिव बनाना है तब क्या लगाएंगे हम इसमें, हैड, पहले तो यहाँ पे लाइंस लगा लो ऐसे, अलग अलग पोर्शन है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हम क्या लगाएंगे, हैड और बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद